चाहे अपने भक्तों का सुने अनुभक्त लोगों का सुने जा करके, ऐसे ही बेरोजगारी बहुत छाया हुआ। राम मंदिर से क्या दिक्कत? अरे राम मोदी जी क्या दिए हैं, आप झोरा लेके घूम रहे हैं, मोदी जी ऐसा ही लेके भाग जाएंगे तब? ना कुछ नहीं लेके जाएंगे। 24 में कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जो जनता जिसको चाहेगा वो जीतेगा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी हम मौजूद है चाय के दुकान पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय पे अक्सर राजनीतिक चर्चा होती है, वहीं पे हम खड़े हैं। तो 2024 इलेक्शन एकदम नज़दीक ही है और आप देख सकते हैं कि लोगों का ओपिनियन क्या है 2024 में, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। मैं यहाँ जानना चाहूँगा लोगों से कि 2024 में के नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, बोलिएगा कौन 2024 में, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? क्या यार हमको फंसा रहे हो, ऐसे ही माहौल फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ? ऐसे ही लोग माहौल फंसा है, गंदा माहौल बना हुआ है। अच्छा, इतना लोग परेशान बना हुआ है और ऊपर तुम नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हो, ऊपर से राहुल गांधी का नाम ले रहे हो। इधर दोनों से नाराजगी क्यों है? दोनों से इसलिए कि दो सबके सब निकम्मे लोग हैं, कोई आएगा क्या होगा, जनता का कोई फायदा होने वाला है? जनता तो मरवे करेगा ना गरीबी में, बेरोजगारी। एक तरफ मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, फायदा नहीं, मंदिर का पेट भर देगा क्या लोगों का? सारा बाजार खराब बना हुआ है, सारा अर्थव्यवस्था खराब बना हुआ है। आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, रोजगार मिलता है लोगों को। 85% बेरोजगार लोग हो गया है, 85% ना, मुजफ्फरपुर की स्थिति तो और बदतर हो गया है। 85% लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। अरे आप कैसे बोल रहे हैं, बेरोजगार भी बहुत हो गया है, देखिए सामने में कितने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। किसी के भी पॉकेट में 500 रुपये भजाने की क्षमता है? 500 रुपये का नोट निकालिए, भजा के देखिए तो आप, नहीं है 500 रुपये का। 2000 तो बंद कर दिया ना, काहे बंद कर दिया, भजबे नहीं करेगा, नहीं बजेगा, दुआ नहीं करेगा। आप 500 रुपये अभी सामने में दिए ना भाई, बजाइए ना, इतना लोग खड़ा हुआ है। 500 रुपये कमाने के लिए सोचना पड़ता है आदमी को। वो आज के डेट में, आज तो विकास कर रहे हैं, विकास तो ऐसा हुआ है भाई साहब कि पूरा ही सबका पेशाब निकल गया है। अच्छा, तब बड़ी बात आप खाली कर रहे हैं, इतना बड़ा बात काहे कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई हिम्मत नहीं होता आप बोल रहे हैं, काहे नहीं बोलेंगे? हमको चोर है क्या, डकैत है क्या? जो सच बात है बोलबे करेंगे, बोलेंगे तब। डर नहीं लगता है? काहे का डर, डर किस बात का डर, डर काहे का रहता है? इतना निर्भीक से बात रख रहे हैं, डरना होगा। काहे डरेंगे भाई, क्यों डरेंगे? नरेंद्र मोदी है। अच्छा, कर्जा खाए क्या उनका? किसी को नहीं सुनते हैं। अच्छा नहीं सुनते हैं ना, तो जाए अपने भक्तों का सुने, अनुभक्त लोगों का सुने जा करके, ऐसे ही बेरोजगारी बहुत छाया हुआ। राम मंदिर से क्या दिक्कत? अरे राम मंदिर बनावे ना, पूरे भारत में मंदिर बना देना, बातें खत्म हो जाए, सबको पुजारी बना, मन शांति होगा। शांति शांति, पेट नहीं भरता है, काहे टेंशन दे रहे हो, मेरा खून काहे खौला रहे हो, चाय भी ठंडा हो रहा है मेरा। अरे जा भाई, क्या भाई साहब, अरे देखिए तो आप लोग देख सकते हैं, और क्या राम जी के भक्त आप लोग नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ? राम जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हो रहा है 22 तारीख को। 22 तारीख क्या राम जी में आस्था है? बिल्कुल है। तब पूरा भारत राममय हो जाएगा फिर 24 में हो गया इलेक्शन, मोदी तो एकदम जय कर दिया है इलेक्शन में। तब तो आपके अगेंस्ट पार्टी अभी बोल रहे थे कि अंधभक्त से क्या बात, तरह के लोग हैं, अब किससे क्या बात किया जाए। नदिया एक घाट बहुत है रे। अच्छा, अरे भगवान तो सभी के लिए है, वो खाली हमारे लिए और आपके लिए थोड़ी है। अच्छा, नहीं भगवान विराजमान होंगे। अच्छा, हर हाल में होंगे, हम लोग मोदी के साथ है भाई। मोदी जी क्या दिए हैं, आप झोरा लेके घूम रहे हैं, मोदी जी ऐसा ही लेके भाग जाएंगे तब? ना कुछ नहीं लेके जाएंगे, वो अकेला आदमी है, उनका बाल बच्चा है, यो नहीं है जो कुछ लेके जाएंगे। अच्छा, कहाँ है उनके पास, जैसे हम झोला लिए हुए हैं वो भी झोला लिए हुए हैं। आप झोला लिए हैं तो भाग जाएंगे तब? ना भागेंगे, कहाँ जाएंगे, भारत छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? भारत छोड़ के भारत में रहेंगे, विश्वास है मोदी जी पर? हाँ, नहीं तो हम मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम है बता दीजिए, बताइए। हम अभी तो राम मंदिर का निर्माण कर दिए, बहुत सब राष्ट्रपति हुए, बहुत प्रधानमंत्री हुए। राम मंदिर से क्या फायदा मिला आपको? हमको मिल रहा है कि भाई आस्था है, आस्था है। हाँ, विश्वास है भगवान का, हम उनका परम भक्त है। परम भक्त है, आपके बगल में कह रहे हैं कि राम जी से कुछ नहीं मिला, क्या होगा उससे, बुलवाइए नहीं। हम आपको नहीं कहे हैं कि नदिया एक घाट बहुत तेरे, यहाँ तो भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न प्रकार के लोग हैं। बस जो आपको जो सोच है वो हमारा नहीं है, जो हमारा है वो आपका नहीं है, ऐसे ही है। तो आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं? साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, उनके टीम के सक्रिय सदस्य हैं। सक्रिय सदस्य हैं। राम मंदिर में जाइएगा? जरूर जाएंगे। जाइएगा? जरूर जाएंगे। तब राम मंदिर से क्या फायदा मिलेगा, रोजगार से नहीं फायदा? रोजगार से, रोजगार अपनी जगह पर है, हम लोग रोजगार करने लायक है अब।
नहीं है। अब कैसे हैं, 65-70 हो गया, अब क्या रोजगार करेंगे? आपके बेटे पोते नहीं करेंगे? हाँ, वो लोग कर रहे हैं नौकरी। तो उन लोगों के नौकरी करते हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में है, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? हाँ, मिल में नहीं करेगा हम लोग। मिल रहा है 2,12,000 तेजस्वी यादव बिहार में दे रहे हैं। लड़का लोग हमारा तो क्या पढ़े, नहीं पढ़ा तो रोजगार नहीं ठीक लगता है। तो नौकरी अब कहिए रहा है, तो वो तो भी रोजगार ना है। रोजगार है, उससे 10 रुपया। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? मिल में नहीं करेगा बउआ? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और लोग देख रहे हैं, मैं इन लोगों से भी बात करना चाहूँगा। सर, पूरा 24 में कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जो जनता जिसको चाहेगा वो जीतेगा। आप किसको चाहते हैं? हमको चाहने से कुछ नहीं होता, जनता जिसको चाहेगा उसको मिलेगा। उस समय की बात है, अभी लंबा बात है। लंबा बात नहीं है, 3-4 महीने। नहीं नहीं, 3-4 महीने बहुत कुछ होता है ना अभी। हाँ, बहुत कुछ होता है। नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं? सब अच्छे हैं, कोई सब जिसका सब ही अच्छा है, कोई खराब नहीं। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी भी अच्छे हैं। अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। आपके लिए सब अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। अपने अपना अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, बस। ऑल इज वेल। तो आपने लोगों का प्रतिक्रिया सुना, और कैसा लगा? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 24 इलेक्शन के पीएम उम्मीदवार कौन होंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ।